दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले डिक्लेरेशन मैं अपना मुंह से ही कह देता हूं। इस वीडियो के जरिए मैं किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। मैं बस आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। हाँ, आपके लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी प्राइवेसी को लेकर इस वीडियो में बात होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बहुत बात करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखो और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, प्लीज़ शेयर करना, ताकि इस चपेटे में कम लोग ही आए और जो लोग आ चुके हैं उनके लिए भी कुछ खास है। तो मैं पूरा किस्सा आपको समझा देता हूँ जो लोग नहीं जानता। एक एप्लीकेशन नया आया है जो दावा करते हैं कि वो आपको घर बैठे बिठाए $5 करके, यानी ₹350 करके पर मंथ देगा, और अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं तो आपको ₹700 करके पर रेफरल, यानी $10 करके देगा। कैसे देगा? दुनिया में ऐसा कोई है जो बैठे बिठाए किसी को ऐसे इतना रुपए दे सकता है? पूरा रास इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना और इस वीडियो को कंप्लीट देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उसका नाम है फेसबुक रिसर्च, और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये फेसबुक का ऑफिशियल एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं है। कोई भी नाम और निशान नहीं है फेसबुक के, इसके बारे में पता ही नहीं है कि ऐसा नाम का कोई एप्लीकेशन भी होता है। लेकिन तो कहाँ से आया ये, कौन चला रहा है ये? तो बात कुछ ऐसा है कि कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं, कुछ ब्लॉगर्स भी हैं, कुछ लोग भी हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, और प्रमोट क्यों कर रहे हैं वो आपको पता ही है। तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है, अगर आप शेयर करते हैं पर रेफरल आपको $10 करके मिलेगा, और अगर आप अपने फ़ोन में जो हैं इंस्टॉल करके रखते हैं पूरा एक महीने, अगर रखते हैं आप एक महीने की, पूरा $5 आपको अपना पेपल अकाउंट में मिल जाएगा। तो इतना पैसा ये एप्लीकेशन आपको क्यों दे रहा है? तो कुछ सवाल जो हैं आपके मन में भी आ रहा है, मेरा मन में भी आ रहा है, सभी सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा, और अंत तक बने रहिए। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, अंत तक बने रहिए प्लीज, अगर आपको इस सारा जानकारी चाहिए तो। तो सबसे पहले ये जो फेसबुक रिसर्च जो एप्लीकेशन है, मैं पहले ही बता दूं ये कोई भी ऑफिशियल एप्लीकेशन नहीं है। ये फेसबुक को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई एप्लीकेशन है। ये एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो इसे चला रहा है, और उनका टारगेट क्या है? उनका टारगेट है 13 से 17 साल का लड़की। हाँ बिल्कुल, 13 से 17 साल का लड़कियों को ये टारगेट कर रहा है। क्यों टारगेट कर रहा है, क्यों पैसा दे रहा है, क्या है एप्लीकेशन, फेसबुक से रिलेशन है या नहीं, सभी आंसर मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से। तो सबसे पहले, क्या ये पेमेंट करता है? बिल्कुल 100% जेन्युइन एप्लीकेशन है भाई, आपको बिल्कुल पेमेंट करेगा, लेकिन उसके बदले आपसे कुछ ले लेगा। क्या ले लेगा, क्यों पैसा दे रहा है, यही अब क्वेश्चन मैं आपको आंसर दूंगा कि ये एप्लीकेशन क्यों इतना पैसा खर्च कर रहा है आपके ऊपर। तो सबसे पहले, इतने कुछ दिन पहले ही फेसबुक को लेकर इतना बड़ा एक कॉन्ट्रोवर्सी हो गया, जिसकी रिएक्शन है GDPR। अगर आपको GDPR के बारे में नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी कंपनी, टेस्ला जैसे कंपनी जिनका मिलियंस ऑफ 5 से 6 मिलियंस 10 मिलियंस तक उनका फेसबुक में लाइक था, उन्होंने अपना इतना बड़ा फेसबुक अकाउंट ही डिलीट कर दिया कंट्रोवर्सी की ओर से। और कानून निकला अमेरिका में GDPR, तो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी के बाद अब एक नया एप्लीकेशन आया है जो फेसबुक से दावा करता है, और वो लोग आपको जो है फ्री में इतना रुपए दे रहा है इस उनकी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में चलाने के लिए। कैसे दे रहा है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एप्लीकेशन है आपसे डेटा कलेक्ट करता है। जी हाँ, आज के डेट पे खाना से, कपड़ों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा। अगर आपको लगता है कि अरे भाई मेरा क्या जाता है डेटा, कोई भी ले ले, मैं क्या करता हूँ, मेरे व्हाट्सएप में कुछ अकाउंट है गए हुए, अरे भाई एक एक बूंद से सागर बनता है। और आपको मैं बता दूं, वो जो आपको $5 पर मंथ दे रहा है वो उसे $5,000 के हिसाब से बेच रहा है एक एक यूज़र की। आपको सुन के घबराहट होगा, आपको सुन के जो है चौंक जाओगे आप, वो कितने रुपये में उस डेटा को बेच सकते हैं। और ये जो है, मैं सारा पॉसिबिलिटी मेरा रिसर्च करने की बात ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनका कोई भी सोर्स नहीं है, कोई भी इंसान को मैं ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ, और किसी भी कंपनी की अगेंस्ट मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस बात कर रहा हूँ आपकी प्राइवेसी को लेकर, कि आपका प्राइवेसी को कैसे चोट पहुँच सकता है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद।
लेकिन क्या इसे आप यूज़ नहीं कर सकते? पहले ही आपके दिमाग में जो आ रहा है, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन है आपको पैसा दे रहा है, आप बिल्कुल लूट सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अंतर देखना है। आप इसी भी इस एप्लीकेशन को भी यूज़ करके पैसा लूट सकते हैं, लेकिन आपको कुछ सतर्क रहना चाहिए। तो उस सतर्क के बारे में पहले मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक राय मांगना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये एप्लीकेशन मैंने बोला कि डेटा कलेक्ट करता है, क्या क्या कलेक्ट करता है सुनो, क्या क्या कलेक्ट करते हैं। आपका गैलरी फोटोज, आपका कॉन्टैक्ट, आपका मोबाइल नंबर्स, आपका कॉन्टैक्ट की अंदर यानी आपका व्हाट्सएप हो गया, आपका हाइक हो गया, आपका ईमेल हो गया, उनका ज़्यादा सब कॉन्टैक्ट्स यानी ईमेल्स, आपका व्हाट्सएप का जो इनक्रिप्टेड चीज़ वो भी उन लोग उठा के डिक्रिप्ट कर लेता है, पता नहीं उनका क्या टेक्नोलॉजी है ये। उसके बाद हो गया क्या, उसके बाद हो गया आपका जो एप्लीकेशन आपकी फ़ोन में इंस्टॉल्ड है उसका सारा डेटा, उसमें जो पासवर्ड्स आप यूज़ करते हैं उसका सारा डेटा, आपका बैंकिंग एप्लीकेशन अगर कोई है उस बैंक का डिटेल्स, आपने जो पासवर्ड यूज़ करते हैं, पिन यूज़ करते हैं या फिर OTP यूज़ करते हैं, वो सब डिटेल्स, या फिर आपका कैमरा का लाइव फुटेज भी वो लोग उठा सकते हैं। आपको मैं बोल दूँ, जो परमिशन आपको देना होता है इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए, वही वहाँ पर वो लोग वही आपसे परमिशन मांग लेता है, आप ही उनको अलाउ करते हो, आप ही उनको बोल देते हो कि आओ मुझसे ले लो। यहाँ पे उनको कोई दोष आप नहीं दे सकते। अब देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो उन लोगों के लिए जो लोग सोच रहा है कि मेरा तो फोन में कुछ भी नहीं है, क्या जाता है यार, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ऑफेंड मत होना, मैं बस एग्जांपल के लिए इसे यूज कर रहा हूँ। सोचो आज आपकी शादी है, शादी की बात सुहाग रात है, अब एक इंसान आपके सामने आता है, आके बोलता है देखो भाई मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा और क्या करूंगा, आपकी सुहाग रात की कमरे में एक कैमरा लगा दूंगा। अब आप लोग क्या करो सुहाग रात में, वो मुझे देखने वाला चीज़ नहीं है, आपको 10,000 रुपये मिल जाएगा, उस कैमरे के फुटेज मैं ले लूँगा। तब आप क्या कहोगे? अब सोचो आपको 10,000 रुपये वो लोग देगा, अब उस फुटेज को लेकर वो हो सकता है किसी भाई उस वाली वेबसाइट में उसे बेच के वो लाखों रुपए कमा लेगा। अब आपका क्या कहना है उस इंसान को आप क्या कहोगे, ये मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ऐसा कुछ चल रहा है, आपको $5 देके वो लोग आपका सारा डेटा ले रहा है और लेके किसी भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी, किसी और भी बहुत कुछ हो सकता है, जो लोग डेटा खरीदता है आपको टारगेट करने के लिए उनको बेच दिया जाता है बहुत बड़ी रकम के साथ। जो फेसबुक वाला कॉन्ट्रोवर्सी में जो हुआ था वो आपको पता ही है, कुछ कंपनी था जिन्होंने डेटा को खरीदा था। तो यही सब कुछ है। अब क्या आप इससे जो है कैसे बच सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा, और क्या आपको इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है या फिर सब उठा के फेंक देना है। अगर आप एक मोबाइल में जिसमें आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, आपका प्राइवेट डेटा है, जिसमें आप अपनी गर्लफ्रेंड से या फिर अपने बॉयफ्रेंड से चैट करते हो, जिसमें आपका बैंकिंग एप्लीकेशन है, उसमें ये काम आप कर चुके हों, क्योंकि बहुत ही महान लोग हैं जो इसे प्रमोट कर रहा है, तो उस बारे में बात हम नहीं करेंगे। तो उस एप्लीकेशन को आप अभी अभी हटा दो, उस फ़ोन में बिल्कुल बिल्कुल घुसने मत दो, बिल्कुल हटा दो। और अगर आप इसे यूज़ करके पैसा कमाना चाहते हो, जी ये पॉसिबल है, क्योंकि ये एप्लीकेशन सच में पेमेंट करता है, ज़रूर करेगा यार, इतनी ज़्यादा दामों में डेटा को बेच रहा है तो आपको तो ज़रूर देगा, तो आप इसे जो है पैसा कमा सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं बस आपको तलाह करना चाहता हूँ इस एप्लीकेशन को लेकर। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊँ कि कैसे आप इस एप्लीकेशन से इनकम भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी रख सकते हैं, साथ ही साथ अपनी कीमती डेटा को घूमने भी ना दे सकते हो, तो ये मैं ठीक से क्लियर करके समझा के एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हो तो मैं ऊपर एक पोल दे रहा हूं, आपको आई बटन में मिलेगा, उस पोल में जाके यस और नो आप लिख दो। मैं अगर ज्यादा वोट यस में मिला तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कल ही बनाऊंगा, और अगर नो मिला तो मैं नहीं बनाऊंगा। यहां पर मैटर करता है मेरे यूजर्स को। मैं अपनी फायदे के लिए एक राज मैं बता देता हूँ, अगर मैं इसके ऊपर एक पॉजिटिव वीडियो, जो कि मुझे एक महीने पहले ही पता लग चुका था इस एप्लीकेशन के बारे में, अगर मैं बना देता तो आप सोचो मैं महीने का आज की डेट पे कम से कम 5 से 6 लाख रुपए कमा लेता, कम से कम बोला मैं, लेकिन मेरे सामने यूज़र्स का डेटा ही काफ़ी है। अब सोचो कि बहुत एप्लीकेशन है हम यूज़ करते हैं जहाँ से डेटा लिया जाता है, वो अलग बात है, वो डेटा छोटा सा डेटा होता है, छोटा अमाउंट का होता है, लेकिन यहाँ पे सोचो आपका सारा परमिशन ले लेगा और ये एप्लीकेशन का कहीं पर भी नाम और निशान नहीं रहेगा, और ये काम करता है VPN के ऊपर, आप एक बार सोच लो ये बात,
इंडिया गवर्नमेंट या फिर आपका ISP या फिर कोई भी साइबर सिक्योरिटी भी इसे नहीं पकड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर VPN का यूज़ हो रहा है, आपका IP एड्रेस ही बदल चुका है, तो वो जो भी कुछ भी करे उसका क्या जाता। मतलब चोर आया है, अगर उसका मुंह आप देख लेते तो पकड़ पाते, लेकिन वो तो मास्क पहन के आया है, आप कैसे पकड़ोगे। यही बात है। तो मेरा मन में जो भी था, अगर किसी को मैं ठेस पहुंचा तो प्लीज़ मैं सॉरी बोल देता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो को बनाया, और अगर आप चाहते हो कि इस एप्लीकेशन से भी कैसे पैसा इनकम किया जा सकता है, तो आप जो है उस रिप्लाई को वहाँ पे रिप्लाई कर दो उस कार्ड में, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, कल ही बनाऊँगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताओ। अगर आपने जो है अपना पर्सनल मोबाइल पे जहाँ पे आपका बैंकिंग है, आपका सारा डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स करके रखे हो, तो अभी प्लीज़ यार उसे रिमूव कर दो। पैसा नहीं करता, आपका डेटा अगर चोरी हो जाएगा ना तो बहुत बड़ा जो है मुसीबत में आप पड़ सकते हो, मैं पहले आपको बता देता हूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, सेफ रखो। मैं पहले भी बहुत सारा फ्रॉड के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हो, तो इस तरह की वीडियो लेकर मैं आता रहूंगा। और मुझे आप इस वीडियो को शेयर करो, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि इस चपेटे में बहुत सारे लोग ऑलरेडी आ चुका है और आता रहता है, क्योंकि ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया है लाखों रुपए कमाने के लिए। तो मैं मिलूंगा अगले एक्साइटिंग वीडियो के साथ। हैव ए नाइस डे।